टाटकर थाना क्षेत्र के राजस्व ग्राम गुजरगम्मा के चांदातों की बैर से विगत 19 नवंबर की रात को लापता हुए युवक का शव शनिवार देर शाम को एक कुएं में तैरता हुआ मिला। कुएं में शव होने की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए, साथ ही इसकी जानकारी टाटकर थाना पुलिस को दी। ग्रामीणों की सूचना पर टाटकर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाया तो पाया कि शव के शरीर पर एक रस्सी के सहारे भारी भरकम पत्थर बंधे हुए थे। शव की शिनाख्त चांदातों की बैर निवासी 19 वर्षीय ललित सिंह पुत्र गोविंद सिंह के रूप में हुई। शरीर पर रस्सी के सहारे पत्थर बंधे होने पर पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए मौके पर डॉग स्क्वाड एफएसएल टीम को बुलाया। मौके पर पहुंची टीम ने आसपास से साक्ष्य जुटाए। सूचना मिलने पर एसपी मनीष सिंह चौधरी भी मौके पर पहुंचे तथा आवश्यक कार्यवाही के बाद शव को कब्जे में लेकर राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की मोर्चे पहुंचाया। जानकारी के अनुसार ललित सिंह 19 नवंबर को घर के पास ही किसी प्रसादी कार्यक्रम में भाग लेने गया था। वहां से रात्रि 10 बजे उन्हें घर के लिए रवाना होने के बाद भी वह घर नहीं पहुंचा, जिस पर ललित सिंह के पिता गोविंद सिंह ने 20 नवंबर को टाटकर थाने में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उधर रविवार सुबह बड़ी संख्या में चांदातों की बैर के महिला तथा पुरुष एकेज की मोर्चे पर एकत्रित हो गए। ग्रामीणों ने युवक की हत्या पर कुएं में डालने का आरोप लगाते हुए मामले का खुलासा कर हत्यारों को गिरफ्तार करने पर ही शव का पोस्टमार्टम करवाने पर अड़ गए। इस दौरान विधायक शंकर सिंह रावत, जवाजा प्रधान गणपत सिंह रावत सहित आसपास के कई सरपंच गण तथा जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसपी मनीष सिंह चौधरी, श्री थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह चौधा, जवाजा थाना अधिकारी नरेंद्र सिंह, टाटगढ़ थाना अधिकारी सहित अन्य पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीणों से बातचीत की। बातचीत के दौरान ग्रामीणों ने तीन लोगों सहित टाटगढ़ थाने के एक पुलिसकर्मी को संदिग्ध बताते हुए शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की, जिस पर एएसपी चौधरी ने विधायक सहित ग्रामीणों से बातचीत कर प्रकरण के शीघ्र ही खुलासा करने तथा आरोपियों को गिरफ्तार करने का विश्वास दिलाया, जिसके बाद ग्रामीण पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए। इसके बाद टाटगढ़ पुलिस ने पंचनामा तैयार कर शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश अंतिम संस्कार हेतु परिजनों के सुपुर्द की। उधर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये 19 तारीख को एक एनपीआर दर्ज हुई थी ललित सिंह के नाम से। उनकी एज है 19 साल के हैं, टाटगढ़ से हैं। और कल जो है दिन में एक डेड बॉडी हमें जो है पास में जंगल में कुएं से मिली, तो हमने कल वो डेड बॉडी निकलवाई और आज उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। और साथ ही जो है परिवार वालों ने जो भी अपने परिवार में जिन जिन लोगों के नाम लिए थे उनसे अभी पूछताछ कर रही है पुलिस, और आगे आगे जैसे इन्वेस्टिगेशन के अंदर चीजें सामने आती है तो वो सबके सामने रखी। पुलिस वालों का ये नहीं कह सकते कि भी जो 100% इन्वॉल्वमेंट है, वो नाम है, कुछ लोगों के नाम, काफी लोगों के नाम जो है परिवार वालों ने दिए हैं, तो इस चीज इसके ऊपर हम और गहनता से जांच करेंगे, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे।